तो गाइस देख सकते हो सारे कनेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी ऑक्स है, ये देखिए गाइस ऑक्स में भी पावर आ चुकी है। अब इसको फोन में कनेक्ट करते हैं और साउंड प्ले करते हैं। तो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस 4-5 दिनों के बाद एक और क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड की अनबॉक्सिंग रिव्यू लेके आ चुका हूँ मैं। इसमें प्रॉपर रिव्यू होगा, टेस्टिंग होगी और अनबॉक्सिंग भी होगी हमारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड की। तो मैं दिखाता हूँ कि कौन सा क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड आज हम लेके आए हैं आप सब लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस अभी से, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है। सो गाइस ये है वो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड, आप देख सकते हो। जो भी इसको सेल करता है क्लेम करता है कि ये 120 वॉट का आउटपुट देता है, बट एक्चुअल में जो इसका आउटपुट होता है वो 100 वॉट होता है। 50-50 वॉट के दो स्पीकर चलाता है। आप सब लोग ऑनलाइन चेक कर लेना या ऑफलाइन देख लेना, सब बोलेंगे 120 वॉट का है। सो गाइस इस बोर्ड में जो आईसी लगी हुई है वो है TP3116D2, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने बनाई है। अमेरिका की एक कंपनी है, उसी ने इसकी ऑडियो आईसी बनाई है TP3116D2। तो उसका जो क्लेम आउटपुट है, जो कंपनी बोलती है 100 वॉट आउटपुट होता है इस आईसी का, सिंगल आईसी का 100 वॉट, पर जो भी इसको सेल करता है वो 120 वॉट बोलता है। पता नहीं क्यों एक हवा बना रखा है सैम्पलीफायर बोर्ड को लेके कि ये 120 वॉट का होता है, पर एक्चुअल में नहीं होता है। मैंने रिसर्च की उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ इस बोर्ड का, ठीक है। तो ऑडियो टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। बाकी जो ऑल ओवर रिव्यू देखे मैंने इस बोर्ड को लेके, सारे पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, 50-50 वॉट के दो स्पीकर चलाएगा। तो इसी का आज ऑडियो टेस्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। सो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो, जितना हो सके उतना शेयर करना, कमेंट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डीपली जानते हैं अपने क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में। और गाइस इस बोर्ड का जो मॉडल नंबर है वो है XHM543 और इसकी जो आईसी है ऑडियो आईसी वो है TP3116D2 100 वॉट की। सो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस हमारा क्लास डी बोर्ड इस तरीके के प्लास्टिक पैकेट में आता है, हमें निकालना पड़ता है कुछ इस तरीके से। और इसके साथ हमें एक कनेक्टर भी देखने को मिलेगा, ये कनेक्टर है, इसका यूज हम एज अ ऑक्स करने वाले हैं, ऑक्स वायर। इसमें एक 3.5 mm की ऑक्स कनेक्ट करेंगे, वो लास्ट में आपको पता लग जाएगा। तो ये है हमारा मेन बोर्ड, आप देख सकते हो। और गाइस ये इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक। सो गाइस ये क्लास डी बोर्ड एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो चैनल देखने को मिलेंगे, ये हमारे प्रीसेट है इस बोर्ड के, एज अ वॉल्यूम कंट्रोलर एज अ पोटेंशियोमीटर वर्क करेंगे ये। ये लेफ्ट चैनल के लिए है जो कि हमारा लेफ्ट स्पीकर होगा, और ये राइट चैनल के लिए है जो कि हमारा राइट स्पीकर होगा, ठीक है। और ये ऑडियो इनपुट के लिए एक टर्मिनल दे रखा है कनेक्टर के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया था जिसमें हमारी ऑक्स कनेक्ट हो गई, ओके। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक ओपैम्प आईसी देखने को मिलेगी आपको, यह है हमारी ओपैम्प आईसी। इसका जो मॉडल नंबर है वो है TL074C। और गाइस ये ओपैम्प आईसी हमारी 14 पिन्स की होती है, आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि ओपैम्प आईसी का वर्क क्या होता है बेसिकली, तो मैं बताता हूँ। यहाँ से हम ऑडियो इनपुट देंगे और ये एम्पलीफाई करके यहाँ पे TP3116 को देगी इनपुट, और ये सेंसिटिविटी भी बढ़ाएगी इस आईसी की TP3116 की। तो बेसिकली जो हमारी ओपैम्प आईसी है, सिग्नल जो लो सिग्नल होते हैं ऑडियो इनपुट के, उनको एम्पलीफाई करती है, बढ़ाती है। तो ये ओपैम्प आईसी का वर्क होता है, और ये बहुत लो नॉइस भी जनरेट करती है। तो बहुत ही अच्छी ओपैम्प आईसी लगी हुई है इसमें। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पावर सप्लाई के टर्मिनल है, इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में डायोड लगा हुआ है। ये क्या करेगा हमारे डायोड, अगर हम बाय मिस्टेक कभी पावर सप्लाई का कनेक्शन उल्टा करते हैं तो ये फूकने से बचाएगा, इसको ब्लास्ट होने से बचाएगा हमारे बोर्ड को। ये फूकेगा नहीं, ये इसको एडजस्ट कर लेगा हमारा डायोड। और डायोड देख सकते हो इसमें कौन सा लगा हुआ है, SS54 डायोड लगा हुआ है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट इंडक्टर भी लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 इंडक्टर लगे हुए हैं, सील्ड एकदम इंडक्टर है ये। सो गाइस आपने देखा होगा जो मेरा लास्ट वाला TP3116D2 एम्पलीफायर बोर्ड था, उसमें कॉइल टाइप के इंडक्टर लगे हुए थे, कॉइल लगी हुई थी, उसे चौक भी बोलते हैं हम, इसको भी चौक बोलते हैं, पर ये सील्ड होता है। इस इंडक्टर में डुअल वाइंडिंग होती है, आप देख सकते हो 330 के इंडक्टर है ये, 4 इंडक्टर है आउटपुट के लिए हमारे। और ये आउटपुट टर्मिनल्स है, इसमें 50-50 वॉट के दो स्पीकर हम कनेक्ट करेंगे अपने। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी देख सकते हो, 35 वोल्ट्स में है, आप देख सकते हो 35 वोल्ट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हुए हैं। और गाइस ये था हमारा ऑल ओवर लुक एम्पलीफायर बोर्ड का, बहुत ही बढ़िया मेरे को एम्पलीफायर बोर्ड लगा मुझे। अब फाइनल जो हमारा काम है इसका टेस्ट करना है, ऑडियो टेस्ट करना है। सो गाइस इसकी टेस्टिंग करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कौन से स्पीकर चलाने वाला हूँ इस एम्पलीफायर बोर्ड से। बेसिकली जो ये एम्पलीफायर बोर्ड है
50-50 वॉट के दो स्पीकर चलाएगा, पर हम इससे थोड़े बड़े बड़े स्पीकर भी चला के देखेंगे 50 वॉट के साथ साथ, ठीक है। सो गाइस कनेक्शन करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको पावर सप्लाई कौन सी कनेक्ट करने वाला हूँ इस एम्पलीफायर बोर्ड में। ओके, तो ये बोर्ड है हमारा और पावर सप्लाई जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए वो है ये। बेसिकली मैं हर बोर्ड को टेस्ट करने के लिए यही पावर सप्लाई लेता हूँ, बहुत बढ़िया है और अच्छा आउटपुट दे देती है। और देख सकते हो ये जो पावर सप्लाई है 19.5 वोल्ट की है 3.5 एम्पियर में। ये मेरे लैपटॉप के अडेप्टर है, आप देख सकते हो, तो इसी का यूज़ करता हूँ मैं क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए। आप भी अपने लैपटॉप के अडेप्टर से चार्जर से ऑपरेट कर सकते हो अपने क्लास डी बोर्ड को, ठीक है। सो गाइस इसी पावर सप्लाई का हम कनेक्शन करेंगे हम अपने एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए। ओके, तो ये पावर सप्लाई थी हमारी। सो गाइस जो स्पीकर हम कनेक्ट करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले हम 50-50 वॉट के दो स्पीकर कनेक्ट करके देखेंगे इसमें, उसके बाद हम 150 वॉट के स्पीकर भी प्ले करके देखेंगे इस एम्पलीफायर बोर्ड से। ओके, तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ज़्यादा मजे आएंगे टेस्टिंग में, हमेशा मेरे को टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा मजे आते हैं। और गाइस मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी टेस्टिंग का तरीका कैसा लगता है। ओके, सो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको स्पीकर, ये ऑल ओवर डीपली थोड़ा रिव्यू था हमारे क्लास डी बोर्ड का, तो आप थोड़ा देखते हैं अपने स्पीकर्स। सो लेट्स गो, मैं स्पीकर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है हमारे 150 वॉट के दो स्पीकर, इनका कनेक्शन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सॉरी। सो गाइस मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ जो हम कनेक्ट करेंगे अपने एम्पलीफायर बोर्ड में। सो गाइस ये है वो स्पीकर, आपने ऑलरेडी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो अच्छी बात है। तो ये स्पीकर है 150 वॉट का एक स्पीकर है, ये बेसिकली डीजी टावर के स्पीकर है, ये 8 ओम का एक स्पीकर है 150 वॉट्स में, तो उसका कनेक्शन करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ 50 वॉट के स्पीकर, और गाइस ये है हमारे 50 वॉट के स्पीकर 12 ओम में, तो उनका कनेक्शन सबसे पहले करेंगे हम ऑडियो टेस्टिंग के लिए, उसके बाद हम बड़े स्पीकर का कनेक्शन करेंगे अपने एम्पलीफायर बोर्ड में। तो ये 50 वॉट के आप देख सकते हो, ओके 50 वॉट के 12 ओम में। तो ये भी स्पीकर सोनी के हैं, वो वाले स्पीकर चाइनीज कंपनी के थे आई थिंक, ये सोनी के स्पीकर है होम थिएटर के, तो इनका भी कनेक्शन करेंगे। ओके सो लेट्स गो। इसमें आपको बता दूं जो ऑक्स का कनेक्शन है इस कनेक्टर में, ये कनेक्टर मिला है हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के साथ, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने कनेक्शन किया है, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कनेक्टर है, आप देख सकते हो, ये हमारी ऑक्स वायर है 3.5 mm में, ये ऑक्स है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से वायर कटे हुए थे मैंने, सिमिलर जो कलर है मैच कर दिए हैं, इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया है ग्राउंड में, इस तरीके से कनेक्शन किए हैं आप देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने कलर मैचिंग की है बस, और ज्यादा कुछ नहीं किया है, रेड रेड में, ब्लैक ब्लैक में, व्हाइट व्हाइट में, क्या बात है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे कनेक्शन डन हो चुके हैं ऑक्स वायर के। ओके सो लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले स्पीकर्स का कनेक्शन करते हैं, तो ये है हमारा राइट चैनल, सबसे पहले राइट स्पीकर कनेक्ट करेंगे हम 50-50 वॉट के, सबसे पहले स्पीकर कनेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद 150 वॉट के करेंगे। ओके गाइस दोनों लेफ्ट और राइट चैनल के कनेक्शन हो चुके हैं, और आप देख सकते हो गाइस इस बोर्ड में मेरे को एक अच्छी बात लगी, यहाँ पे ऊपर ही रिटर्न है, मतलब इंडिकेट कर रखा है प्लस माइनस, पिछले बोर्ड में जो लास्ट बोर्ड था हमारे 80 वॉट का उसमें पीछे लिखा हुआ था, तो बार बार इसमें भी पीछे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, इसमें डुअल साइड प्रिंटेड है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लस माइनस, और यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए भी प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, इसमें फ्रंट में भी दे रखा है, ठीक है। तो गाइस स्पीकर्स के कनेक्शन हो चुके हैं, अब अपनी ऑक्स के कनेक्शन करते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस ऑक्स वायर का कनेक्शन ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है, तो सिंपली हम इसको इसके कनेक्टर में इस तरीके से सॉकेट में डाल देंगे, और ये कनेक्ट हो गया है आप देख सकते हो, और ये रेडी टू यूज़ हो चुकी है हमारी ऑक्स। अब इसको हमें फ़ोन में लगाना है और साउंड ऑपरेट हो जाएगा। ओके तो अब पावर सप्लाई का कनेक्शन करते हैं, ये हमारी पावर सप्लाई का टर्मिनल। गाइस आई डोंट नो, पर मुझे इसकी टेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, मेरे को फील हो रहा है, तो वीडियो में बने रहे। और आप देख सकते हो गाइस पावर सप्लाई देते ही यहाँ पे ऑन हो चुका है हमारा बोर्ड, यहाँ पे लाइट इंडिकेट हो चुकी है ब्लू कलर की, तो जल्दी से अपने स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हो सारे कनेक्शन हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारी ऑक्स है, ये देखिए गाइस ऑक्स में भी पावर आ चुकी है। अब इसको फोन में कनेक्ट करते हैं और साउंड प्ले करते हैं। और गाइस मैं रीजन बता दूं कि मैं ग्लव्स क्यों पहनता हूं, क्योंकि मेरी 19 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो मेरे को थोड़ा सा करंट फील होता है, अगर मैं यहां टच करूंगा तो मेरे को करंट लगता है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। 12 वोल्ट पे इतना फील नहीं होता, अगर आप 12 वोल्ट की दोगे
तो वो फील नहीं आएगा, उससे आपको सिर्फ 40 वॉट का ही आउटपुट मिलेगा और वो फील नहीं आएगी, वाइब नहीं आएगी। तो इसीलिए 19 वोल्ट से ऊपर की पावर सप्लाई का यूज करो ताकि आपको थोड़ी फील आए, थोड़ा साउंड सुनने में मजा आए। ठीक है, तो कनेक्शन हो चुके हैं, अपनी ऑक्स को कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल के साथ। सो कुछ बातें करनी है, सो कनेक्ट करते हैं अपने फोन के साथ। ओके गाइस, फाइनली हम टेस्टिंग करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ गाइस वीडियो को लाइक कर दो आप और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो आइए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अभी जो मैं बीट प्ले करने वाला हूँ, म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ, ये मैंने खुद ही प्रोड्यूस किया था आज से 2-3 साल पहले। ठीक है, तो मेरी ही बीट होगी, आप साउंड सुनिए और मेरे को बताना कि कैसी लगी आपको बीट मेरी बनाई हुई। तो कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले मेरे को कवर को खोलना पड़ेगा ताकि ऑक्स अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ओके, सो गाइस कनेक्शन हो चुका है, तो आप साउंड प्ले करते हैं, बी रेडी गाइस। सो गाइस मैंने प्रीसेट पोटेंशियोमीटर से साउंड एकदम लो कर दिया है। अब सबसे पहले राइट, जो हमारा राइट का स्पीकर है, इसका वॉल्यूम अप करते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा प्रीसेट है राइट के लिए, राइट चैनल के लिए। अब लेफ्ट वाला करेंगे, दोनों ऑन हो गए। इसको भी प्ले करते हैं। सो गाइस बोर्ड में नॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, सारे फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर आ रही है, बेस भी एकदम बढ़िया आ रहा है, मिड हाइस वगैरह सारे फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर है और बोर्ड भी हमारा एकदम जेन्युइन है, जेन्युइन आउटपुट दे रहा है। तो अब बड़े स्पीकर का कनेक्शन करते हैं, एक बार दोबारा सुन लेते हैं इसका साउंड। ओके, ये देखिए गाइस, पंप देखिए स्पीकर्स में। सो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, अब बड़े स्पीकर का कनेक्शन करने वाले हैं हम, सो लेट्स गो। गाइस हमने बिग स्पीकर्स का कनेक्शन कर दिया है, अब साउंड प्ले करते हैं और बताना गाइस कैसा साउंड लगा आपको। तो बीट प्ले करते हैं। तो गाइस हमने बिग स्पीकर्स का कनेक्शन कर दिया है, अब साउंड प्ले करते हैं और बताना गाइस कैसा साउंड लगा आपको। तो बीट प्ले करते हैं। सुनिए गाइस, मतलब इतना लूट उठा लिया इस एम्पलीफायर बोर्ड ने, हमारे 150 वॉट के दो स्पीकर चला दिए, जबकि यूजुअली ये सिर्फ 50 वॉट के दो स्पीकर चलाता है। मजा आ गया गाइस देख के, पंप देखा आपने इसी स्पीकर्स में, कितना तगड़ा पंप आया था जब जैसे ही साउंड प्ले करा। तो दोबारा करते हैं एक बार। ओके गाइस, आप पंप देख सकते हो कितना बढ़िया पंप आ रहा है हमारे स्पीकर्स में, मतलब जेन्युइनली मेरा दिल खुश हो गया ये टेस्टिंग देख के करके। एक तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, 100 वॉट के स्पीकर में हमने 300 वॉट के स्पीकर चला दिए, 150-50 वॉट के दो स्पीकर। सो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो। तो ये थी टेस्टिंग हमारी, मेरे को तो बहुत बढ़िया मजे आए इस टेस्टिंग में। ओके सुनिए गाइस, अगर ये स्पीकर इनक्लोजर में होते तो आप
गेस कर सकते हो कि कितना बढ़िया आउटपुट आ सकता था, मतलब एक पूरी फील आ सकती थी जो अभी नहीं ले सकते हम, क्योंकि ओपनली हम चेक कर रहे हैं अपने स्पीकर्स को, ठीक है। अगर इनक्लोजर होता, बॉक्स टाइप में कैबिनेट होता और कैबिनेट में स्पीकर लगे होते तो जेन्युइनली बहुत मजा आ जाता हमें। भाई अभी तक जो हमने म्यूजिक सुना उसमें सिर्फ बीट बीट थी, म्यूजिक था बीट थी। तो आप वोकल के साथ सुनते हैं एक म्यूजिक, ठीक है, जिसमें वोकल भी होगी। रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे हमें इस क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के। और गाइस मैंने कनेक्शन किया है अपने ऑक्स का तो मेरे को यहाँ पे करंट फील हो रहा है, जो मेरे कैमरा है, जो मेरा ये कैमरा है इसको टच करने से मेरे को करंट फील हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ये सेंसर है ये स्टील का है इसलिए मेरे को करंट फील हो रहा है इस सेंसर में, ठीक है, क्योंकि 19 वोल्ट की पावर सप्लाई है, थोड़ी पावरफुल है, 60 वोल्ट की है ये पावर सप्लाई, तो मेरे को इसीलिए करंट फील हो रहा है। सो गाइस अब मेरे को कुछ फेस टू फेस बात करनी है आपसे, सो लेट्स गो। सो गाइस ये थी टेस्टिंग और रिव्यू हमारे 120 वाट के क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड की। आपने देखा कितने ज्यादा मजे आ गए, मैंने 120 वाट बोला पर एक्चुअल में 100 वाट ही है, पर क्लेम 100 वाट का ही है, जो हमारी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी है अमेरिका की वही यही क्लेम करती है कि 100 वाट की आउटपुट देती है हमारी 3116 टीपीए आईसी, ठीक है। सो गाइस ये था ऑल ओवर टेस्टिंग और रिव्यू, आई होप गाइस आपको ये पसंद आई होगी टेस्टिंग और रिव्यू, आपने एंजॉय किया होगा, मैं तो बहुत एंजॉय किया। कमेंट में बताना कि आपको साउंड कैसा लगा। और गाइस इस बोर्ड की जो ऑडियो क्वालिटी है जेन्युइनली मेरे को बहुत बढ़िया लगी, सारी फ्रिक्वेंसी एकदम क्लियर आ रही थी, चाहे हाई हो लो हो मिड हो। अगर ये इंक्लोजर में होता हमारा स्पीकर तो और ज्यादा फील में हम इंजॉय कर सकते थे साउंड, पर आप तो फिर भी फोन में सुन रहे हो तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं तो लाइव टेस्टिंग कर रहा था, आप मुझसे पूछो कि कितने बढ़िया मजे आ रहे थे मेरे को टेस्ट करते समय। सो गाइस ऑल ओवर जो टेस्टिंग थी बहुत बढ़िया थी, मेरे को बहुत पसंद आया एक क्लास डी बोर्ड। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये आपको 900 रुपीज के अंडर मिल जाएगा, 900 से 800 रुपीज के अंडर में। बस इसमें प्रॉपर पोटेंशियोमीटर नहीं है, नॉन ब्लूटूथ है, प्रॉब्लम यही है, बाकी ऑल ओवर बहुत बढ़िया बोर्ड है। बाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर कैटलॉग वगैरह सब मिल जाएगा, हो सकता है वेबसाइट का लिंक मिले तो आप चेक करना डिस्क्रिप्शन, बाय कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा 150 वॉट के दो स्पीकर भी ड्राइव कर दिए हैं इस क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड में, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। कैसा लगा आपको, मजा आया ना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। सो लेट्स गो।